हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आज ना पापा ने पीछे चला लिया कुछ कुछ, मम्मी से मिलने कुछ लोग आए हैं। मैं ना चुपके से कैमरा ले जाता हूँ और दिखाता हूँ आपको क्या बातें करते हैं। मैंने रिकॉर्ड तो किया चुपके चुपके, लेकिन वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि मैं आपको सुना नहीं सकता। है ना, मैं इसको दे देता हूँ फोन, ये थोड़ा बहुत कुछ कुछ रिकॉर्डिंग करेगी और उसके बाद फिर ये ब्लॉग डाल दूंगा मैं। और कल एक धमाकेदार ब्लॉग आने वाला है, उसका वेट करिए सभी। हेलो हेलो, सबको हेलो कर दो। ठंडी में मम्मी बीमार हैं, सबको फुर्सत नहीं मिल रही थी, इसलिए देर से आए हैं देखने के लिए। हमारा ब्लॉग देख के ही पता चला है, ब्लॉग देख के ही हम आए हैं। अच्छा, वैसे नहीं पता था? नहीं, ऐसे कैसे पता? पापा तो मिलते हैं रोज ही सुधीर भाई जी से। पापा वो सब अपने काम की बात करते हैं। अच्छा, आपस में तो अल्लाह की नदी जी के तबीयत। फिर मैंने कंफर्म कर दिया कि हम मम्मी एक वीडियो में हम देखा लिया दीदी की तबीयत खराब थी। फिर मम्मी को वीडियो देखा ना, भाभी तो रोज ही आ जाती हैं। भाभी क्यों नहीं आती इधर फिर? अरे तो भाभी भी अकेली है। नहीं, भाभी ऑलमोस्ट आ जाती हैं, मुझे पता रहता है हर चीज। मैं तो यहाँ रहते रहते हर चीज पता करता रहता हूँ। जब आप देखते तभी उठा के ले आएगा भाभी को, क्यों वो यहीं से गुजर, घर के सामने से गुजर के जाती है, उठा के लाने की क्या जरूरत है? भाभी कौन सा उठ रही है मेरे से? उठ रही है मतलब क्या, गोदी में उठा ली है? तो साथ ले आओ बिठा के सवारी पे। चाचा जी ना वो सोच रहे कि हमें आता है खाली, रोज देखते हैं। मैं तो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को छोड़ के आ गई हूँ यहाँ पे। जाची होंगे ना? नहीं, दीपांशु था ना। अच्छा, मामा के पास। गुड है, उधर कोई और भी आया है हमारे घर में आज, मैं उन सबको दिखा देता हूँ। प्रणाम कर लिया है मैंने, उधर आए हैं बाबूजी, छोटी बहू के, सबके हेलो कर दियो, बहुत दिन बाद इन्हों हैं। आए नहीं, बहुत दिन से आए, बहुत दिन के बाद आए, छठियार में भी नहीं आए थे, बिजी थे। हाँ, इधर बच्चे पढ़ रहे हैं, छोटी बहू गई है उधर चाय वाय बनाने के लिए, तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं यहाँ पे निकल के आ जाऊँ बाबूजी से मिल लूँ। रजाई किया नहीं देने देह पर? कोई ना, बहुत अच्छा। चालू ठीक है, खाना पीना तो किच नहीं अखन भेल लेते? अखन नहीं भेली जैसे। हाँ चालू, कोई बात नहीं, बढ़िया नाश्ता भेली, चाय पानी सब। अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया। इधर लग गया बाबूजी का खाना और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि एक लाइट और चला दूँ के पकौड़े आने वाले हैं, है ना। सूखी गोभी, सूखी सब्जियाँ छोटी वो बहुत टेस्टी बनाती हैं। चावल नहीं खिला रहे हैं क्योंकि बाबूजी को शुगर है। कथी लेने हेते नुकसान वाला खाओ। अरे कोनो बात नहीं, खाना खाना चालू कर दिया बाबूजी ने। चावल नहीं देते हम लोग क्योंकि क्योंकि शुगर है, पहले ही बताया मैंने। लेके आ गई हैं पकौड़े है। और पकौड़े भी बहुत लिमिटेड, कुछ भी नहीं, पकौड़े और पापड़, है ना। चावल नहीं खाएंगे, थोड़ा कनिक चावल खा ले, चावल गरम, थोड़ा सा कनिक चावल खा लिया, गरम गरम चावल छे ना, बस हुआ छे ना। हाँ कनिक छे, उनका ही ले ली दे ली कि आई बेर में उनका पचता ही नहीं। आई आज पापा जी ने हमारे मतलब 5 बजे खाना खाया, कुछ लेट हो गए थे, आगे संक्रांत आ रहा है तो थोड़ा सा शॉप में लेट हो गया था, तो 5 बजे उनको चावल ले दिया, तो वही कह रहे हैं कि उनको क्यों नहीं दिया चावल। उनका देह बहुत सर्दी आ रहा है, 2:30 बजे हो गए थे ना, उनका देह बहुत सर्दी आ रहा है, तुरंत उनका सर्दी बहुत है। तखन तो बात पसंद है, 2:30 बजे तखन उनका देह, और अगर 2 बजे बना लीजिए तो उनका प्लेट में दी रख, उनका नहीं पहुंचे। सही लोग भी जा रहे लगता है। खाली यहाँ धप्पा कर रहे हैं भाभी, छोटकी चाची से मिलना, खाली धप्पा कर रहे हैं। ठीक है, खुश हो, स्वस्थ रहो। क्या जरा सा खाना खाया है अभी तो? बहुत है, वहाँ भी खा के आया। अच्छा कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, खाओ खाना है ऐसे तो खेबे करूँ हम। हाँ, मतलब सब निकल ले छी ताकि यो आइब जतिन छोटकी यहाँ लग में जाए के सोच अपने कथी ले जाए, आई ठहर जाओ,
कथी कथी ला जरूरी छे अहां को तो बैलेंस शीट क्लोज कर रहल छी ऑफिस में ऑफिस वाला काम ऑफिसर हां सही तो छै सुबह निकल जा ना ठीक निकल जा ना ठीक छै खाना पीना खा ली कोई दिक्कत नहीं ठीक छै बाबूजी का मन नहीं हो रहा है हाँ दोनों बेटियों के एक ही दिन में जाएंगे क्या करें उन्हें छुट्टी नहीं मिलती है ना रूट तो खैर एक नहीं है उनका बिल्कुल अलग है यहाँ पे बिल्कुल अलग है मेट्रो का हिस्सा हो जाए मतलब जो मैं सोनी एक सोनी वहाँ पे है यहाँ भी सोनी मोनी है उधर भी सोनी मोनी है मेरी भी छोटी बहन है मोनी और ये दोनों भी सोनी मोनी है और सब भी सही बात चावल लिए गए हैं बहुत जबरदस्ती करके खाना खा रहे हैं उनका पेट भरा हुआ है बड़ी बेटी के यहाँ फुल हो गया हाँ और मैं निकल जाता हूँ सर छोटी बेटी भी आ जाएंगी ताकि देख लें भैया पापा को ढंग से खाना खाया या नहीं है ना और ये सुंदर सा गमला यहाँ रख दिया गया है जो कि इस पूरे कोने को कवर कर रहा है अकेले है ना इतना बड़ा है इसको बीच में रखा है तब जाके इसके लीव्स जो है वो आराम से सेट हुए हैं आइए पिताजी के पास आइए बिटिया रानी पिताजी तो खा नहीं रहे भर भर कटोरी दी हो पापा जी का पेट है भरा हुआ नहीं बहुत खाना है ना बहुत खा रहे हैं यहाँ भी खा रहे हैं वहाँ भी हाँ हाँ दीदी वही मैंने कहा कि दोनों दोनों बेटियों के यहाँ जाएंगे तो पेट तो एक ही रहेगा ना बेटी दो है तीन है पेट तो एक ही है वही तो अब चावल थोड़ा सा खाए हैं सब्जी सब कैसा लगा पापा अच्छा सब अच्छा पेट भरा हुआ इसलिए खा नहीं पा रहे ये बात है तो कैसा लग रहा है आपको थोड़े दिन पहले पापा आए थे फिर पापा आ गए आज अच्छा लगता है ना ऐसे आते जाते रहते हैं घर ही बहुत दूर है समय की भी बात होती है टाइम नहीं मिलता छुट्टी नहीं मिलती और आते से ही आज सुबह सारी रात जगी हुई थी सारी सुबह जगी हुई थी तो मैडम अपनी नींद पूरी कर रही है थोड़ा सा 5-7 मिनट मुश्किल से खेली है नाना की गोदी में और तब से सो रही है हाँ यहाँ पकौड़े बन रहे हैं और हमारे किचन में एक तूफान आया हुआ है हमारे किचन हमेशा साफ सुथरा किचन मैं आपको दिखाती हूँ तो मैं बिखरा हुआ भी दिखा देती हूँ कुछ बर्तन धोए थे मैंने जो ऐसे ही रखे हुए क्योंकि पहले वाले धुले हुए जो है वो टोकरी में ऐसे ही पड़े हैं ये सब्जियाँ सब सर्व होते होते जो है ठंड इतनी है कि कुछ भी बनाओ आधे घंटे में ठंडा हो जाता है तो उसे गर्म करते हैं इसमें तो ये बर्तन जल जाता है यहाँ सूखा कपड़ा रखा रहता है गीले बर्तनों को पोछ पोछ के रैक में लगाने के लिए यहाँ खाली बोतलें हैं ये तेल और रिफाइंड खाली हुआ है मतलब मेरे किचन में तो ऐसे आंधी तूफान आया हुआ है अभी ठीक करने बैठूंगी तो 1 घंटा लग जाएगा हालांकि बर्तन मैंने धो दिए बर्तन धोना सबसे बड़ा काम होता है बर्तन धो दो क्योंकि अभी जो है थोड़े थोड़े करके मैं धोती रहती हूँ और मेरी क्या आदत है कि मैं धो धो के यहाँ पे इकट्ठा करती रहती हूँ और छोटी जो है वो अलमारियों में लगाती रहती है धोने नहीं देती हूँ उसको अभी बर्तन नहीं धोती है वो तो धोने का काम मेरा है और सजाने का छोटी का और यहाँ पे पापा जी सो रहे हैं आज बहुत लेट आए थे मैंने बताया है आपको तो खा के वो सो रहे हैं यहाँ मम्मी भी भोजन कर रही है आज दोपहर में इन्होंने भोजन नहीं किया सुबह जो नाश्ता किया था उसके बाद वो सो गई फिर लोग आ गए तो उसमें रह गई उसके इसलिए अब रोटी दी है इनको भी गर्म गर्म खा रही है मम्मी भी क्या बन ले पनीर पनीर मैंने अभी 10 मिनट के में फटाफट बना दिया कौन वाला घिया की और गोभी की अच्छा घिया तो मुझे बहुत अच्छी लगी आज मैं तो चावल के साथ खाई रोगी जैसे अच्छा तो जो सब्जी हमें अच्छी लगी वो मम्मी को रोगी जैसे लगी है भाई तबीयत खराब है दवाइयां खाती है तो स्वाद का भी थोड़ा फर्क हो जाता है घिया गोभी क्या ही अच्छा लगेगा थोड़ा उसके बीच में पनीर पहुंचा है प्लेट में तो पनीर ज़्यादा अच्छा लग रहा है हालांकि घिया आज कढ़ाई में बनी है बहुत स्वाद लगी है मुझे और थोड़ा सा गोभी थोड़ा सिंपल हो गया है थोड़ा उसमें नमक का कमी था तो इस वजह से मम्मी को थोड़ा कम अच्छा लगा लेकिन पनीर अच्छी लगी तो वो आराम से खा लीजिए दलसंग भी बहुत अच्छा लगा पनीर के आगे गोभी और घिया फेल होता है हमेशा ही होता है बेचारा बाकी गोभी इस सीजन का राजा है तो गोभी की इंसल्ट नो इंसल्ट गोभी गोभी होती है हमारे घर में गोभी हमेशा रहती है और अभी हमारे साहब की डिमांड आई है कि उन्हें आलू का पकौड़ा खाना है बच्चों की तरह आलू 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 करते रहते हैं ये नहीं कि गोभी का सीजन है तो गोभी खाएंगे तो अब उनके लिए एक आलू मैं छोटी को बोलती हूँ कि एक आलू काट के और बना दीजिए
एक आलू काट के जेठ जी के लिए बना दो, डिमांड आई है डिमांड। हाँ ये देखो चलिए गाइस, ये तरुआ मांग रही है, पकौड़े मांग रही है मम्मी हमारी। अभी उस दिन जीतू भैया लोग आए थे तभी भी दिया था, अभी इनको तेल ये सब बनाए, लेकिन चलो दे देते हैं क्योंकि स्वाद खुल जाए कैसे भी खाना अच्छा लगने लगे। और दो दो पकौड़े तो सबका हक बनता है अगर ठंड का टाइम है। अच्छा पापा भी उठ गए हैं। तो ये छोटी सी जो है गेस्ट अपीयरेंस कैसा लगा आपको, लोग आए गए और यहाँ पकौड़े लेकिन चालू है। हाँ चाची दीदी और काजल बहुआ चली गई, पापा अपनी नींद पूरी करके उठ चुके हैं। नींद नहीं आती है, चाय की याद आ रही होगी, टाइम हो गया अब चाय चाहिए। तो हम बनाते हैं चाय और पकौड़े, आलू के पकौड़ों की जो डिमांड आई है वो पूरी करते हैं। माँ बेटे की एक मम्मी इधर है बेटे उधर है, दोनों को दो दो आलू के पकौड़े खिला के शांत करते हैं हम। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे पापा जी भी बाय बाय कर रहे हैं, बहुत सारा प्यार दीजिए ऐसे ही कमेंट्स कर करके चैनल को बढ़ाते रहिए। बाय बाय।